इस प्रोग्राम के प्रायोजक है BIS हॉलमार्क चंडीगढ़। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। तू सुनार दे देगा, सिर्फ 35 रुपए लगते हैं। सच्ची? सच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 35 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और चंडीगढ़ आजकल देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं चंडीगढ़ में पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित ग्रिड ने अपने संस्थान परिसर में अपना रजत जयंती समारोह एवं अपना वार्षिक दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्था ग्रिड सेक्टर 31 ने संस्थान परिसर में अपना भव्य रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की तरह शिरकत की। जीएमसी H32 के सह संस्थान की निर्देशक डॉक्टर जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। ग्रिड में हम अभी बहुत सारे नए निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि एक ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। हमारा एक सेंसरी गार्डन का प्रोजेक्ट भी है, जो कि जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनकी बहुत सारी सेंसरी नीड्स होती हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की सतह बनाई जाएंगी, जिससे कि उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा किया जा सके, और ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। Yeah.
रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं और ये विभिन्न पैरा ओलंपिक खेलों में भी भाग ले रहे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान का नाम रोशन किया है, ये अत्यंत ही सराहनीय है। ये रजत जयंती सिर्फ जश्न मनाने का समय नहीं है, ये हमारे मिशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दोहराने का भी एक अवसर है। हमारा समाज अभी भी औद्योगिक अक्षमताओं के बारे में गलत धारणाओं और घृणा से भरा है। ये हमारा कर्तव्य मानता है हम इनको मिटाने के लिए न्याय की लड़ाई को जारी रखें। आइए हम सब बाधाओं को तोड़कर प्रयास करें जो शिक्षा, रोजगार, खेल, सोशल इंटरेक्शन जैसे समाज के सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी में बाधा डालती है। मेरा इस अवसर पर इतना ही कहना है। वर्ड स्पाइनल कोड इंजरी वीक के अवसर पर थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ ने सेक्टर 17 स्थित नीलम थिएटर के सामने एक खूबसूरत नुक्कड़ नाटक की पेशकश की। नाटक का नाम था जीने की राह। स्पाइनल कोड इंजरी वीक के अवसर पर थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ने स्पाइनल कोड संस्था के सहयोग से जीने की राह नाम के नाटक की प्रस्तुति। चिंटू के लिए पार्कर का पेन और मिंटू के लिए नोटबुक और कलर्स। मेरे लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे ग्लॉसी लिप्स के लिए ग्लॉसी लिपस्टिक। ये नाटक सेक्टर 17 प्लाजा स्थित नीलम थिएटर के सामने खेला गया। इस नाटक में दिखाया गया कि हम कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन धीरे चलाएं, नियमित गति से चलाएं ताकि अनावश्यक दुर्घटना ना हो। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट और चार पहिया वाहन चालक अपनी बेल्ट अवश्य पहन। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अरे,
इस नाटक में दिखाया गया कि किस तरह पीड़ित व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालते समय लोगों के हाथों से गलती से फिसलकर नीचे गिरने से उसकी कमर में चोट लग जाती है, और जब डॉक्टर उसे अस्पताल में देखते हैं तो बताते हैं कि एक्सीडेंट से तो कम लेकिन उठाकर जो फिसल कर गिरने से चोट आई है उसके कारण कमर के मनके का धागा टूटने की वजह से पेशेंट की कमर का नीचे का हिस्सा खराब हो जाता है। चार दीवारी में रहना, सच कहूं तो मेरी अपना जीने की इच्छा भी नहीं रही। देखना जल्दी वो दिन आएगा कि मैं इसी कमरे में मर जाऊंगा। मर जाएगा इसी कमरे में, ऐसे कैसे मर जाएगा यार? तू पेंटिंग का शौक रखता था ना? हाँ, लेकिन शौक बंदे का कभी मरता नहीं। बन गई बात, आज से तू अपने शौक को प्रोफेशन बनाएगा। देख, चंडीगढ़ रिहैब सेंटर खुला है, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर, चंडीगढ़ के 28A सेक्टर में। वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो चल भी नहीं सकते हैं। जैसे विष्णु वर्मा ने अगर सोचा होता कि नहीं हम रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता है, और वो आगे नहीं बढ़ते तो शायद उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम पेंटिंग की शुरुआत करेंगे और अपने दोस्त के बात पे विश्वास करके वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं जहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब, जो हमारा अपना सेंटर है, हमारा एक परिवार है। स्पाइनल कोर्ट संस्था इसी प्रकार के मामलों को देखते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को उनके विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से उपचार किया जाता है और उनको स्वस्थ वातावरण तथा पॉजिटिविटी और मोटिवेट किया जाता है। ये संस्था उन पीड़ितों की मुफ्त में सहायता करती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम एक चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है चंडीगढ़ में, जहाँ पे हम ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोगों को एक नई जिंदगी देने की प्रयास करते हैं, और होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन देने का प्रयास है हमारा। तो गेम्स के राही, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस, और हमारा यही प्रयास है कि जैसे हम हैं एज अ रिहैब सेंटर, वी वांट टू सेंसिटाइज द होल सोसाइटी, कि सारी सोसाइटी में ये बात फैले और जागरूकता आए कि हम जहाँ पे भी किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं उन्हें हमें तरस करके पार नहीं होना। इफ़ एट ऑल वी कैन डू एनीथिंग, लेट्स ऑल गिव देम एन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इंडिया। चल भाई, बात मत कर तो बात। आज तो शादी पे जाना है। बड़ा जच रही हो आंटी आज तो। ये देख, ये हार ना मेरा बेटा लाया है दुबई से। पर हॉलमार्क के निशान वाला अगर वो यहीं से लेता तो भी शुद्ध सोना मिलता। हाँ, तुझे बड़ा पता है। सबको पता है, सिर्फ हॉलमार्क देता है शुद्ध सोने की गारंटी। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। कोई सुनार दे देगा, सिर्फ 35 रुपए लगते हैं। सच्ची? सच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 35 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है। PGIMER चंडीगढ़ में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य नागरिकों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करना और उत्साहित करना है। पूरा राष्ट्र 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहा है। इसके लिए अभियान भी PGIMER चंडीगढ़ में बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा सरकार द्वारा हर साल मनाया जाने वाला 15 दिनों का अभियान है।
भारत में स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य हितधारकों को नेत्रदान के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने और नागरिकों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन 1985 से सफलतापूर्वक चल रहा है। ये आज हम लोग यहाँ पे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 38th नेशनल आई डोनेशन फोर नाइट के उपलक्ष्य में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की काफ़ी नंबर्स हैं, जो लोग हैं जिनको कॉर्निया की वजह से जिनकी आई साइट कम है, और ऐसे कम से कम 1.2 मिलियन लोग हैं जिनकी नज़र कम है। और ये इनकी नज़र इसलिए कम है कि उनकी जो आँखें पुतली है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और इस तरह की जो ब्लाइंडनेस होती है उसको ठीक किया जा सकता है उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट से, या जो सामने की पुतली होती है उसको रिप्लेस करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जो पुतली मिलती है हमें, ये उन लोगों से मिलती हैं जो आई डोनेट करते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग इसमें आगे आते हैं, और हर साल बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है इस आई डोनेशन कैंपेन से। तो ये जो पखवाड़ा है ये हम मना रहे हैं, ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये कर रहे हैं। और इसमें इसके बारे में काफ़ी प्रचार किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि लोग और ज़्यादा संख्या में आएँ, आगे आएँ, और इन लोगों को जिनको आई डोनेशन की वजह से फ़ायदा हो सकता है, और उनके बारे में प्रचार करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सो काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन, जैसे गलत फहमियाँ होती हैं कि जैसे जिसने आई दान किया, एक जन्म में आँख दान किया, अगले जन्म में वो उन बिना आँखों के पैदा होंगे या ब्लाइंड पैदा होंगे। सो ऐसी चीज़ें जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन हैं स्कूल्स में, जब हम एट द ग्राउंड लेवल बचपन से जागरूक कर रहे हैं, फैमिलीज़ को जागरूक कर रहे हैं, तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ी सी हटाई जा सकती हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा एक और एम्फसाइज करने वाली चीज़ है कि जो भी कोई, जैसे डोनेशन तो हम इनक्रेज करते हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो अपनी प्लेज करें। प्लेज करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उससे जागरूकता बढ़ती है, बस उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई प्लेज करता है तो अपनी फैमिली को साथ लेके चले। जब तक फैमिली को डिसीजन नहीं पता होगा, तो जब पुतली दान करने का टाइम आएगा, बिकॉज आइज़ की डोनेशन लाइव डोनेशन नहीं होती है, जैसे किडनीज़ की डोनेशन या लिवर की लाइव डोनेशन भी हो सकती है, ये किसी के गुजर जाने के बाद ही होती है। तो अगर फैमिली का इसके बारे में नहीं पता, या फैमिली का सहयोग नहीं है, परिवार वालों का सहयोग नहीं है, तो ना फिर वो इन्फॉर्म करेंगे, ना वो अनुमति देंगे। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इस हमने पखवाड़े में हमने स्पेशल जो एम्फोसिस रखा है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रखा है, उनमें आई डोनेशन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि यूथ आर द मैसेंजर्स ऑफ द सोसाइटी, यूथ मैसेंजर होते हैं, उनको हम एजुकेट करेंगे तो वो आगे जाके अपने बड़े बूढ़ों को भी एजुकेट करेंगे। तो हमने उनको यही समझाया है कि आई डोनेशन शुड बी अ फैमिली ट्रेडिशन। और हमारे जो हॉटलाइन नंबर्स होते हैं, वो हमारी जो टीम होती है पीजीआई की, वो 24/7 अवेलेबल होती है आईज़ कलेक्ट करने के लिए। जो पेशेंट की डेथ होती है उसके रिलेटिव्स हमारे आई बैंक में फ़ोन करें, हमारे आई बैंक का नंबर है 7087008200, 24/7 ये अवेलेबल होता है। 10 से 15 मिनट में हमारी आई बैंक की टीम उनके घर पहुंच जाएगी, एंड 10 से 15 मिनट का काम होता है जिसमें हम आईज़ का छोटा टुकड़ा निकाल के ऊपर एक आर्टिफिशियल आई डाल देते हैं, जिससे कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती, कोई फ्यूनरल में डिले नहीं होता। बस हम कुछ प्रिकॉशंस बोलते हैं पब्लिक को कि कुछ प्रिकॉशंस रख लें, क्योंकि हमें आई डोनेशन 6 to 8 आवर्स के अंदर ही करनी होती है। इसलिए हम ये पब्लिक को समझाते हैं कि जब तक हमारी आई बैंक की टीम ना आए, आप कुछ गीला कपड़ा आईज़ के ऊपर रख दें ताकि आईज़ में से इवेपोरेशन ना होए, आईज़ ड्राई ना होए, उनकी क्वालिटी ख़राब ना होए, पंखा एसी कम कर दें ताकि वो इवेपोरेशन ना होए, और तकिया नीचे रख दें सिर के नीचे ताकि वो आईज़ में स्वेलिंग ना आए। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है।
चल भाई, बात मतलब तो बात, आज तो शादी पे जाना है। बड़ा जच रही हो आंटी आज तो। ये देख, ये हार ना मेरा बेटा लाया है दुबई से। पर हॉलमार्क के निशान वाला अगर वो यहीं से लेता तो भी शुद्ध सोना मिलता। हाँ, तुझे बड़ा पता है, सबको पता है। सिर्फ हॉलमार्क देता है शुद्ध सोने की गारंटी। हॉलमार्क है तो सोना है। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित आईटीबीपी परिसर में 8वां रोजगार मेला मनाया गया है। इस मौके पर 80 नव नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। आठवें रोजगार मेले का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित आईटीबीपी की 50वीं वाहिनी के परिसर में किया गया। इस अवसर पर कृष्णलाल गुर्जर, केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु एवं ऋषभ कुमार, उप महानिरीक्षक आईटीबीपी भानु उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से ही रोजगार सृजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को मूल लक्ष्य मानने पर जोर दिया है। इसी क्रम में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से रिक्तियों को भरने का अभियान चलाया जा रहा है। आज तक 28/8/2023 को रोजगार मेले के अंत आज का आयोजन संपूर्ण देश में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें लगभग 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में चयन उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। अस्सी नवयुक्त अभिभर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर नवयुक्त अभिभर्तियों व उनके परिवारजनों ने भारत सरकार व विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नियुक्ति पत्र देने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके परिवारों को नई ऊर्जा, नई रोशनी मिलेगी और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है वर्दी पहनने का और देश के लिए कुछ करने का, तो ये अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम दिवाला है, मैं हरियाणा के भिवानी के रहने वाली हूँ। मुझे आईटीबीपी का नियुक्ति पत्र मिला है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं देश सेवा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मेहनत के बाद ये मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमें नियुक्ति पत्र मिला है, तो मैं तो सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो मेरे परिवार में भी बहुत खुशी है क्योंकि ये मेरे परिवार की पहली नौकरी है। पंचकुला के सेक्टर 5 में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों तथा इंक्यूबेशन सेंटर पंचकुला द्वारा विशेष तौर पर लगाए गए विभिन्न स्टालों का भी निरीक्षण किया।
मेरे नौजवान साथियों, ये राहगिरी कार्यक्रम आखिर क्यों करते हैं? ये राहगिरी कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि हमारा जो सामान्य जीवन है, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का हो, चाहे किसी व्यवसाय करने वाले का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब हर दिन बहुत तरह के काम करते करते बहुत तरह के तनाव उनके दिमाग पर आते हैं। और यदि हमने हर सप्ताह ये 2 घंटे का समय निकाला तो तनाव दूर भागेगा। मन स्वस्थ रहने से कोई बीमारी कमजोरी हमारे मन की नहीं आती है, आते ठीक रहती हैं। और हमने तो इस समय के जो हरियाणा उदय के कार्यक्रम हरियाणा भर में चल रहे हैं उसका थीम एक ही दिया हरियाणा में, क्या? हमारा युवा, हमारा युवा नशे की आदत की तरफ बढ़ रहा है, भयंकर बीमारी है। इस भयंकर रोग को यदि यही रोक लेंगे, निपदा एविल द बर्ड, अगर हम जड़ से स्वास्थ्य करके यहीं से शुरू करेंगे तो हमारा सबका जीवन बचेगा। हरियाणा के मशहूर गायक फाजिल पुरिया ने स्टेज पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समा बांधा। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ से आएंगे बताओ। आज के चंडीगढ़ आजकल में बस इतना ही। इसी के साथ एकता सोडी और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगले सप्ताह। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क चंडीगढ़। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। तू सुनार दे देगा, सिर्फ 35 रुपए लगते हैं। सच्ची? सच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 35 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है।